गाइज आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा डीमैट अकाउंट बताने वाला हूं जो आपको यहां पर सभी कैटेगरी के ब्रोकरेज चार्जेस तो जीरो देता ही है, यानी कि हर कैटेगरी की ट्रेडिंग आप यहां से फ्री ऑफ कॉस्ट तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा ये डीमैट अकाउंट, ये ब्रोकर, इन तीनों ही डीमैट अकाउंट्स एमएस स्टॉक, फिनवेश और फ्लैट ट्रेड से बेटर है, इनसे सुपीरियर है। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते, मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं माई कंपनी। तो गाइज इससे पहले कि मैं आपको इस ब्रोकर की सर्विसेज के, इसके फीचर्स के बारे में बताना स्टार्ट करूं, इसके सर्विसेज को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं, आपके लिए मैंने यहां पर कुछ चार लाइंस लिखी हैं जो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज भी है, तो इसको केयरफुली गौर से सुनिएगा और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में इरशाद लिख दीजिएगा। तो यहां पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, मत खोलो डीमैट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ चार्जेस को देखकर, मत खोलो डीमैट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ चार्जेस को देखकर, टेक्नोलॉजी, ऑर्डर टाइप्स और कस्टमर सर्विस पर भी गौर कर, टेक्नोलॉजी, ऑर्डर टाइप्स और कस्टमर सर्विस पर भी गौर कर, क्योंकि कम ब्रोकरेज चार्जेस में बहुत घने हैं चक्कर, इसीलिए चार स्टेप फॉर्मूला टोकस को फॉलो कर। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको टोकस फॉर्मूला भी बताने वाला हूं जिसका नाम है TOCS। तो इस फॉर्मूले को भी मैं बताऊंगा, ये फॉर्मूला जो है आपको यूज करना चाहिए आपके डीमैट अकाउंट को, आपके ब्रोकर को सिलेक्ट करने से पहले। तो ये सिंपल चार स्टेप फॉर्मूला है जिसको इंप्लीमेंट करके आप मालूम कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर जो है वो सूटेबल रहता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो गाइज जैसा कि आपने सबसे पहले थंबनेल में देखा, जहां पर मैंने लिखा था ना एम स्टॉक, ना फिनवेश, ना फ्लैट ट्रेड, तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इनसे, इन तीनों के बजाय जो मैं ब्रोकर बताने वाला हूं वो सुपीरियर है। तो इसके लिए आपको इन ब्रोकर्स के बारे में भी कुछ फीचर्स को जानना जरूरी है। जैसे कि अगर हम एम स्टॉक के बारे में बात करते हैं, तो गाइस देखिए एम स्टॉक में सबसे पहले तो आपको एक सब्सक्रिप्शन फी पे करनी पड़ रही है जो कि 2400-2500 रुपए की है। इसके अलावा यहां पर आपको कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर भी नहीं मिलते हैं। इसके अलावा मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है कि इनके जो ऑपरेटिंग चार्जेस थे, हालांकि इन्होंने अब उसको हटा दिया है, लेकिन वो पहले सभी ब्रोकर्स से अप्लाई, सभी कस्टमर्स से अप्लाई हो रहे थे और जो कस्टमर्स इनफैक्ट जीरो एमसी भी ले रहे थे उनसे भी ये ऑपरेटिंग चार्जेस अप्लाई किए जा रहे थे। हालांकि अब इन्होंने कंप्लीटली से रिमूव कर दिया है और जो लोग जीरो एमसी नहीं करवाते हैं उनसे ही ये ऑपरेटिंग चार्जेस अब ले रहे हैं। इसके अलावा इनके जो मोबाइल ऐप की रेटिंग है जो अभी फिलहाल करीब 4 स्टार के आसपास चल रही है, उस रेटिंग के पीछे भी एक मैंने सीक्रेट था जो मैंने पिछली वीडियो में रिवील किया था, उसका वीडियो का लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पर दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को वॉच कीजिएगा। इसके अलावा मैंने यहां पर आपको कई वीडियो के थ्रू ये भी बताया है कि एम स्टॉक में जो ऐप है उसमें टेक्नोलॉजी वाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी वाइज थोड़ा सा पुअर है, लैग करता है, कभी कभी आप आपके ट्रेड्स को स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट जो है वो लॉसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स है यहां पर एम स्टॉक की। अब हम बात करते हैं इसके बाद फिनवेशिया की। तो गाइस देखिए फिनवेशिया हालांकि आपसे कोई सब्सक्रिप्शन फी, कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज कुछ भी आपसे नहीं लेता है, लेकिन फिनवेशिया में टेक्नोलॉजी वाइज आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। यहां पर भी आप आपके ट्रेड्स को जब स्क्वायर ऑफ करने जाएंगे तो आपको वहां पर लैग की प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से अगेन आपके प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके अलावा फिनवेशिया का क्लाइंट बेस काफी कम है, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख के आसपास इनका जो ऐप है उसके डाउनलोड्स हैं, आप प्ले स्टोर पर खुद भी इसे जाकर के चेक कर सकते हैं। इनके ऐप के डाउनलोड अभी सिर्फ और सिर्फ 1 लाख के आसपास ही हैं। इनके ऐप का नाम है शून्य, जहां पर ये कहते हैं कि हम कंप्लीटली आपसे कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं करते हैं। इनकी बात बिल्कुल सही है, यहां पर मैं किसी भी ब्रोकर को गाइस डिफेम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट इनके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिसको आपके साथ शेयर कर रहा हूं और इन डिसएडवांटेजेस के बेसिस पर इनसे बेटर ऐप आपको, इनसे बेटर ब्रोकर आपको सजेस्ट करने की कोशिश इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। तो यहां पर फिनवेशिया में भी आपको कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर की फैसिलिटी जो है वो करेंसी, कमोडिटी में और इक्विटी, फ्यूचर एंड इक्विटी ऑप्शंस के केस में आपको कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर यहां पर भी नहीं मिलता है। इसके अलावा अब बात करें फ्लैट ट्रेड की, जो कि अगला तीसरा डीमैट अकाउंट मैंने आपको थंबनेल पर दिखाया था कि यहां पर भी आपको डीमैट अकाउंट नहीं बनाना है। तो फ्लैट ट्रेड के लिए मैं मना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर जो है आपको क्लाइंट बेस भी कम देखने को मिल रहा है, साथ साथ आपको यहां पर एक अकाउंट ओपनिंग के लिए छोटी सी फी पे करनी पड़ती है जो कि 200 रुपए की होती है। हालांकि यहां पर चार्जेस कम है लेकिन क्योंकि इस ब्रोकर की मार्केट में उतनी ज्यादा प्रेजेंस ही नहीं है, उतनी ज्यादा इसकी ब्रांड वैल्यू नहीं है, एक बहुत पुराना ब्रोकर नहीं है, साथ साथ इसके मोबाइल ऐप की रेटिंग भी आप देखिए 3.5 स्टार की रेटिंग है फ्लैट ट्रेड के डीमैट अकाउंट की, जो कि काफी कम रेटिंग है। इनफैक्ट इन तीनों ब्रोकर्स के कंपैरिजन में, और जो चौथा ब्रोकर भी मैं आपको बताने वाला हूं जो बेस्ट 10 के कंपैरिजन में, उसके कंपैरिजन में भी इसकी मोबाइल ऐप की रेटिंग जो है वो 3.5 स्टार सबसे कम है। तो इसलिए फ्लैट ट्रेड क्योंकि मोबाइल ऐप के मामले में पुराना हो जाता है, थोड़ा सा मोबाइल ऐप इनका टेक्नोलॉजी वाइज पुराना हो जाता है, मोबाइल ऐप लैग कर रहा है, मोबाइल ऐप में प्रॉब्लम्स है और दूसरे जो प्रॉब्लम्स मैंने डिसएडवांटेजेस यहां पर बताई, इस वजह से मैं आपको फ्लैट ट्रेड भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। तो मैं जो
ब्रोकर आपको रिकमेंड कर रहा हूँ गाइस, उसका नाम है कोटक सिक्योरिटीज। और कोटक सिक्योरिटीज में भी आपको कई सारे प्लान्स देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको मैं वो सभी प्लान्स रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं जो पर्टिकुलरली प्लान्स आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, उसको जानने से पहले आपको यहाँ पर जान लेना चाहिए टोकस फॉर्मूले को, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो गाइस, टोकस जो फॉर्मूला है TOCS, ये एक चार स्टेप सिंपल फॉर्मूला है। तो यहाँ पर टी का मतलब है टेक्नोलॉजी, ओ का मतलब है ऑर्डर टाइप्स, सी का मतलब है चार्जेस और एस का मतलब है सर्विस। तो ये चार चीजें जो है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इन चार चीजों पर जरूर फोकस रखना चाहिए और एक सिंपल फॉर्मूला अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। टोकस इन चार चीजों को देखकर ही आप अपना आपका ब्रोकर सेलेक्ट करें। सिर्फ और सिर्फ चार्जेस को देख करके आप कभी भी आपका ब्रोकर मत सेलेक्ट कीजिए। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अच्छा ट्रेडिंग करना चाहते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको ये चारों चीजें देखनी चाहिए। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो भी ब्रोकर्स जीरो ब्रोकरेज की तरफ बढ़ रहे हैं, उनमें टेक्नोलॉजी वाइज सभी ब्रोकर्स में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था कि टाइप 5 की कंप्लेंट होती है। टाइप 5 कंप्लेंट का मतलब यह है कि ब्रोकर की टेक्नोलॉजी की पुअर होने की वजह से, ब्रोकर के ऐप में लैग आने की वजह से अगर आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट होता है, तो आप उसकी कंप्लेंट जो है एक्सचेंज पर कर सकते हैं। तो एक्सचेंज पर जो कंप्लेंट रिसीव हो रही है जीरो ब्रोकरेज डीमैट अकाउंट्स की, उनका रेशो नॉर्मल डिस्काउंट ब्रोकर्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। कहने का मतलब सीधी सिंपल बात है कि यहाँ पर क्योंकि आपसे कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो डीमैट अकाउंट्स है अपनी टेक्नोलॉजी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर ऐप में ट्रेड्स करते टाइम पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आप ये चारों स्टेप, चारों चीजों को देखिए, टेक्नोलॉजी, ऑर्डर टाइप्स, चार्जेस और कस्टमर सर्विस, ये सारी चीजें आप देखेंगे तो आपको एक अच्छा डीमैट अकाउंट मिलेगा। और मेरे विचार में जो डीमैट अकाउंट आपके लिए सही है वो है कोटक सिक्योरिटीज का ट्रेड फ्री प्लान। अब ट्रेड फ्री प्लान के भी गाइस दो यहां पर पार्ट्स हैं, दो ब्रांचेस हैं। अगर आपकी एज 30 ईयर से कम है तो आपको ट्रेड फ्री यूथ प्लान मिलेगा, और अगर आपकी एज 30 ईयर से ज्यादा है तो आपको ट्रेड फ्री मैक्स प्लान मिलेगा। लेकिन सिर्फ मेरे कहने से आप यहां पर डीमैट अकाउंट मत बनाइए, मैं आपको बताता हूं कि मैं क्यों इसे रिकमेंड कर रहा हूं। तो गाइस देखिए, इसके कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले तो आपको यहां पर जो सब्सक्रिप्शन चार्ज पे करना है, सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज पे करना है, जो कि आप अगर आपकी एज 30 ईयर से कम है। अगर आपकी एज 30 ईयर से ज़्यादा है तो आपको 499 रुपीज़ का सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन फी पे करनी है, जो भी कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं है। इसके अलावा ये यहाँ पर कोटक सिक्योरिटीज़ में आपको एक लार्ज कैप बैंक की बैकिंग मिल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपको एक बड़े बैंक कोटक महिंद्रा बैंक की बैकिंग मिल जाती है। और कोटक सिक्योरिटीज़ भी जो एंटिटी है, जो कंपनी है, 1994 से इंडिया के अंदर रन कर रही है, तो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। एक पुरानी लॉन्ग टर्म हिस्ट्री को लिए हुए ये कंपनी है। अच्छी ब्रांड वैल्यू आपको यहां पर मिल जाती है। इसके अलावा इनके मोबाइल ऐप की जो रेटिंग है वो 4.2 स्टार है। यहां पर आपको कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर की फैसिलिटी सारे सेगमेंट्स में मिल जाती है। तो इन सभी रीजंस की वजह से मैं आपको कोटक सिक्योरिटीज के ट्रेड फ्री प्लान में और ट्रेड फ्री मैक्स प्लान में डीमैट अकाउंट बनाने के लिए रिकमेंड कर रहा हूं। यहां पर आप गौर कीजिएगा कि यहां पर अगर आप ट्रेड फ्री यूथ प्लान में जाते हैं तो आपको सारे ही ब्रोकरेज चार्जेस आपके फ्री हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेड फ्री मैक्स प्लान में जाते हैं, क्योंकि आपकी एज 30 ईयर से ज्यादा है, तो उस केस में आपको डिलीवरी में यहां पर 0.25% का ब्रोकरेज पे करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप यहां पर डिलीवरी में कोई ट्रेड नहीं कीजिए, सिर्फ और सिर्फ यहां पर आप इंट्राडे ट्रेडिंग और दूसरे जो ट्रेडिंग है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब यहां पर ये जो चीज है, ये ऑलवेज ऑलवेज आपको रिकमेंड रहती है कि आपको आपके डिलीवरी के जो स्टॉक्स हैं, यानी कि आपकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, उसको और आपकी ट्रेडिंग को, इंट्राडे ट्रेडिंग को बिल्कुल सेपरेट डीमैट अकाउंट्स में ही रखना चाहिए। इसलिए अगर आप ट्रेड फ्री मैक्स प्लान में जाते हैं, तो क्योंकि आपको यहां पर डिलीवरी में पैसा पे करना पड़ेगा, इसलिए आप यहां से डिलीवरी कोई ट्रेड नहीं करेंगे और आप एंजल वन में अपना डीमैट अकाउंट बनाएंगे, जहां पर आपको डिलीवरी फ्री मिल जाती है और वहां से आप अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को फॉलो करेंगे। और ट्रेडिंग के लिए आप कोटक सिक्योरिटीज के ट्रेड फ्री मैक्स प्लान को या ट्रेड फ्री यूथ प्लान को ले सकते हैं। इन दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप डीमैट अकाउंट बना सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग का भी और कोटक सिक्योरिटीज के ट्रेड फ्री यूथ प्लान का, ट्रेड फ्री मैक्स प्लान का। आप उसी लिंक से जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, वहां पर आपको बाद में ऑप्शन आ जाएगा। इसके अलावा कोटक सिक्योरिटीज में एक जो बहुत ही बढ़िया बात है वो है कस्टमर सर्विस, जो मैंने अभी बताया आपको। तो कस्टमर सर्विस भी गाइस यहां पर आपको बेटर इन सभी ब्रोकर से मिल जाती है, क्योंकि यहां पर आपको विद इन 7 डेज एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर असाइन कर दिया जाता है, जो आपके सारे प्रॉब्लम्स का 1-to-1 आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको वहां पर बहुत ज्यादा वेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उससे कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो आपका डेडिकेटेड रिलेशनशिप
मैनेजर रहे। तो इस तरीके से काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई फैसिलिटीज आपको कोटक सिक्योरिटीज प्रोवाइड कर रहा है। आपकी ट्रेडिंग जर्नी यहाँ पर काफी ज्यादा स्मूथ हो सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं और ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कोटक सिक्योरिटीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर के आप डीमैट अकाउंट बनाइए। अगर आप मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको डीमैट अकाउंट से रिलेटेड कोई और डाउट आ रहे हैं, अगर आप और जानना चाहते हैं तो गाइस आप हमारी वेबसाइट dmatdive.com को भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर हमारे काफी सारे आर्टिकल्स हैं जो आपको डीमैट अकाउंट से रिलेटेड काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन, काफी ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ में जो जीरो ब्रोकरेज वाला डीमैट अकाउंट ढूंढ रहे हैं, ताकि उनकी थोड़ी हेल्प हो सके। मिलते हैं गाइस फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।